बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक और आप देख रहे हैं वाई एम टी वी। आज मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के शहर कोटली में और यहां से हम करेंगे लोगों से गपशप और करेंगे मज़े के सवाल और ये चलते हैं और लोगों से गपशप करते हैं और उनका माइंडसेट चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले आपने नाम बता दें? रफाकत। रफाकत नाम है जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? ये मछली का काम करते हैं। मछली का कारोबार जी। मैं आपसे कोई सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, ठीक है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ अपने कान से पकड़ सकते हैं, हाथ मुंह या पांव किसी चीज़ से नहीं पकड़ सकते? ये बात बात बात, बात को भी कहा बात 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 कैसे पकड़ें जी? बात कैसे पकड़ेंगे? जुबान से। जुबान से मैंने बोला, सिर्फ कान से पकड़ सकते हैं। कान से कोई पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? तो नहीं पता। अच्छा, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल करने से पहले ही तोड़ देते हैं? कब? नहीं पता। कितने रुपए किलो है मछली? ये 300 रुपये किलो। 300 रुपये जिसका पता है, लेकिन आपको सवाल का नहीं पता। नहीं पता। अस्सलाम। सबसे पहले अपना नाम बता। अच्छा, तो क्या कारोबार है आपका? अरे, मैं इधर, ये फोम की दुकान है मेरी। फोम की दुकान है? जी जी। तो और इसके अलावा क्या कुछ करते हैं? इसके अलावा सर, मैं तालिबे इल्म हूँ। ये सेकेंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, उसका भी रिजल्ट आना है। इसके अलावा यही बस पार्ट टाइम जो है ना, शॉप पे आके टाइम देता हूँ। तो माइंड सेट आपका कैसा है? माइंड सेट हमारा यही है कि फ्यूचर में हमने कुछ गहरा कुछ करना है, कुछ बनना है। कुछ बनना है? नहीं जी, पढ़ लिखे कुछ बनना है, ज्यादातर यही है हमारा। लेकिन अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो फिर तो आप कुछ ना कुछ बनेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो फिर मुश्किल ही है। जी जी बिल्कुल, आप पूछें। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल करने से पहले ही तोड़ देते हैं? इस्तेमाल करने से पहले ही तोड़ देते हैं, वो इंजेक्शन होता है टीका, जैसे तोड़ने के बाद सर? नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, उसके अलावा तो मेरे जहन में कोई भी नहीं है। इंजेक्शन की कैसे आपने मिसाल दे दी? इंजेक्शन की मिसाल हमने ऐसे दे दिया कि जो होता है ना टीका, एक तो इंजेक्शन होता है ना सुई वाला, ठीक है। अब जब टीका होता है उसको हम तोड़ते हैं, उस कांच का होता है, तोड़ के उसके बीच से हम निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं ना। ठीक है, चलो, एक तो ये बात आपकी सही हो गई, लेकिन खाने में अंडा ही है फिर, और खाने से अंडे के अलावा फिर आ जाता है जी, इसके अलावा मुझे बिल्कुल देन में नहीं है। अच्छा, ये तो आपका जवाब सही है। एक और सवाल का मुझे जवाब दें, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बंधे हुए भी चलती है? क्या चीज़? बंधे हुए भी चलती है। आपने अगर बांध दिया ना तो फिर भी चलेगी? किस वाले से आप पूछ रहे हैं? बांध दिया चलेगी? गाड़ी है, एक कोई चीज़ को आप बांध देते हैं ना, उसके बाद भी वो चलती है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है? कुत्ता ही है। कुत्ते को बांध दें तो कुत्ता बंधा ही रहता है, चलेगा नहीं? नहीं नहीं, जितनी हद तक बंधा होगा उतनी हद तक तो चलेगा। नहीं नहीं, ये आपका जवाब नहीं। अच्छा, और किसी का कुछ कहना चाहते हैं? ये आप और सवाल करें अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ कहता हूँ। आप और किसी को कुछ कहना चाहते हैं? मैं कोई किसी को कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि अपने आजकल के नौजवान लड़कों के वो ज़्यादा अपनी जो है ना तालीम पे तवज्जो दें। अच्छा। और ये ज़्यादा जो है ना, जो भी है तालीम, जिसके पास जितनी होगी वो उतना ही मतलब आगे जाके तरक्की करेगा वो कुछ सब। यही मैं नौजवान, आपने अभी तक कितनी तरक्की की है? मैंने यही तरक्की की है जी कि FA का इम्तहान दिया है अभी, इसके बाद ही तरक्की होनी है, इससे पहले तो मुश्किल ही है। हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। FA के बाद आप क्या करेंगे, कौन सा पहाड़ जो है वो? FA के बाद मेरा इंशाल्लाह मूड है अब ये यूनिवर्सिटी में जाके BBA करना है। लेकिन ये फॉर्म की दुकान पे तो कुछ तरक्की नहीं करते। अरे यही बात है, नहीं इधर भी हो सकती है, बिजनेस माइंड जो होता है वो अलग होता है। बिजनेस के लिए जो है ना वो तालीम नहीं चाहिए सर, बिजनेस के लिए माइंड चाहिए आप। बिजनेस के लिए यही बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बात तालीम पे। अभी ये वही बात आपको कह रहा हूँ ना, BBA क्या कहते हैं? BBA को बिजनेस, BBA को क्या कहते हैं आप खुद बताएं? ये बिजनेस के वाले से ही है ना। ओके, तो बिजनेस के वाले से आप
कोर्स कर रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना नाम बताना। साद बिन हालत। साद बिन हालत, तो आप क्या कुछ करते हैं? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। LLB का स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पे आप शॉप हैं? तो ये शॉप मेरी अपने कारोबार में साथ करता हूँ। साथ में कारोबार भी, एक टाइम पे डबल मार। ये मैं आपका माइंड सेट चेक करना चाहता हूँ। आप मुझे यह बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल करने से पहले ही तोड़ देते हैं? दिल। दिल, यही बात है। आप पहले इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद तोड़ते हैं, लेकिन ये आप इस्तेमाल करने से पहले ही तोड़ देते हैं। इस्तेमाल करने से पहले ही तोड़ देते हैं। अच्छा, इतना बता सकता हूँ खाने वाली? अखरोट। अच्छा, और खुबानी। ऑडियो जंगल। हाँ, और बादाम। बादाम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दें, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बांध भी लेते हैं लेकिन फिर भी चलती रहती है? बांध भी लेते हैं फिर भी चलती रहती है, शूज़ ही होंगे। बांध के फिर हम चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं पता, क्योंकि घड़ी। अच्छा, इतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट। हाँ हाँ, देख रहे हैं, बंद ही भी है फिर भी चल रही है। बिल्कुल सही जवाब। ठीक, और किसी को कुछ कहना चाहेंगे? और हंसी खुशी रहे हर बंदा अपने घर में, ठीक है, और कोरोना वायरस से बचे। कोरोना वायरस से, लेकिन आपने मास्क हमारे हाथ में है, अपनी सेफ्टी। आपको पता है मास्क पहनने का तरीका क्या है? वो मास्क पहनने का तरीका तो है। एक बार मास्क पहन लो, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको दोबारा नहीं यूज करते। ये बात तो ये आपके हाथ पे अगर जरा सेम है कोरोना, सबसे पहले हाथ। अच्छा, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे वाला। अच्छा, और किसी को कुछ कहना चाहेंगे? और हंसी खुशी रहे हर बंदा। हर बंदा हंसी खुशी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना नाम? जी मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है सर। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है? जी सर। अच्छा, कहाँ बिजनेस करते हैं आप? लोकल बिजनेस या इंटरनेशनल? जी मेरा है लोकल ही है, एक दो ट्रांसपोर्ट का है, दो गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा। प्लस इधर मेरा न्यू सिटी फर्नीचर के नाम से मैं बिजनेस करता हूँ, फर्नीचर का, यानी कि हमारे पास झूले वगैरह, टॉयज वगैरह तमाम आइटमें होती हैं, शादी ब्याह का फर्नीचर। इस महंगाई के दौर में आपका कारोबार ज़िंदगी कैसा चल रहा है? ये जो वक्त जा रहा है, ये दौर जा रहा है, आज से 6 माह अभी गुजर रहे हैं पिछले, ये कोरोना की वजह से यानी बहुत ये बहुत कमज़ोर है बिजनेस। कोरोना के साथ साथ तो जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो नुकसान तो होता होगा आपको पहले से? जी हाँ, वो तो है। महंगाई के अलावा भी जो हमारी गवर्नमेंट है या इंतज़ामिया है, उनको चाहिए था कि जो ताजर बरदरी है इनके लिए भी कुछ सोचे। हालांकि ये देखें, हमारे जो बिल्डिंग मालिक हैं, ये हर साल ये किराया जो 10% बढ़ाते हैं, चलो बाकी 6-7 माह मुतासर तो रहे, उसमें से हमारे चंद लोगों ने किराया माफ़ किया है, शायद किसी ने 15 दिन का, किसी का 1 माह या 2 माह का किया, और ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन फिर भी इस ये जो दौर जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, इस पर इस 1-2 माह का किराया भी क्या माने रखता है। प्लस जो किराया 1 लाख से ऊपर हो, वो जो किराया बढ़ा रहे हैं फिर ये नए साल में, वो कह रहे हैं इंक्रीज 10% करें, इस पर भी यानी इंसान को सोचना चाहिए, बिल्कुल उस बिल्डिंग मालिक को सोचना चाहिए। अच्छा, तो मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। जी सर। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप इस्तेमाल करने से पहले ही तोड़ देते हैं? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस्तेमाल करने से पहले ही आप तोड़ देते हैं? नहीं, एक तो इंजेक्शन होता है जो, क्योंकि यूज बाद में होता है, पहले सिरिंज में पड़ता है, तो उसको पहले तो उसकी शीशी पहले तो एक तो मैंने यह मान लिया। और आप सोच लें कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रिंक बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, उसमें कोई चीज ऐसी डाल रहे हैं जो तोड़ के डालनी पड़ती है, जहर वो पहले बनती है तो फिर हम ड्रिंक यूज करते हैं ना, पीते हैं ना। सर, कौन सी चीज़ का तो नाम बता रहे हैं? चीज़ में उसमें ये कई चीज़ें आ सकती हैं।
आप मुझे एक और सवाल का जवाब दें, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप कान के अलावा किसी चीज से नहीं पकड़ सकते, हाथ पांव ना किसी से नहीं पकड़ सकते, सिर्फ आप अपने कान से पकड़ दें? सिर्फ वो तो मास्क ही है। ज़्यादा जो यूज चीज हो रही है, मास्क को आप हाथ से भी पकड़ते हैं ना? पकड़ते हैं, लेकिन यूज तब होता है ना, उसको सिर्फ आप कान से पकड़ते हैं, हाथ से भी नहीं पकड़ते। वो बात है, मास्क को हाथ से वो बात है, फिर आप कोई पैगाम या कोई भी चीज हो जो देते हैं हम कान से लेते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल, वो ऐसी कौन सी चीज है जो उड़ती है उसके पार नहीं, रोती है उसकी आंखें नहीं, और जहां भी जाती है अंधेरा छा जाता है? वो तो बिजली है भाई। नहीं सर, बिजली उड़ती तो नहीं है भाई, ये ऊपर से तो नहीं, कैसे जाती है वो? आपको हवाई में जाती है ना, उड़ती। हमारे अंडरग्राउंड तो सिस्टम किया नहीं है, जैसे यूरोप में है, अरब अमीरात में है। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, इसमें बहुत ही चीजें आ सकती हैं। बिजली आपके माइंड में हो, लाजमी तो उसी का जवाब दूं। बिजली को कभी रोते देखा है? बिजली को कभी रोते हुए देखा है? बिजली वालों को रोते हुए देखा होगा, लेकिन बिजली को कभी नहीं। अरे भाई, अभी हर बंदा रो रहा है बिजली वालों का, ये देखे हमारे बिल इतने आ रहे हैं तो हमने रोना ही है ना। अच्छा, नहीं पता जवाब का, शायद आपके माइंड में और हो अभी, लेकिन सारे के इंसान के माइंड में अपना अपना। मैं आपको जवाब बताऊंगा, फिर आप बोलेंगे कि बिल्कुल आपका जवाब सही है। सवाल एक बार फिर करते हैं। वो ऐसी कौन सी चीज है जो उड़ती है उसके पार नहीं, रोती है उसकी आंखें नहीं, और जहां भी जाती है अंधेरा छा जाता है? चीज एक है, तीनों काम करती है। वो तो महंगाई लगती है फिर। महंगाई तो अभी है ना, वो इतना रुलाई दो साल पहले महंगाई नहीं थी। अच्छा, और किसी को कुछ पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है भाई साहब कि मैं बिलखसूस कोल्डी आजाद कश्मीर की आवाम को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा हालात जा रहे हैं और ये कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इस पर आप सब एहतियात करें, SOPs का ख्याल करें, और बिलखसूस जो हमारे ताजर भाई हैं वो भी अपने आप को बचाएं और दूसरों को बचाएं और अपनी फैमिली को सेव करें। मास्सलाम। ओके, इसी के साथ आज का हमारा और साथ यहीं तक था, और अपने दोस्त यासर मलिक को दे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह नेगी।